हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो गाइस, आई एम नवीता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट द वैकेंसीज इन NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी कि इन वैकेंसीज के बारे में क्या है। बाकी जो है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है वो NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट NIOS.ac.in पर जाकर के देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसीज जो निकली हैं NIOS की, ये ग्रुप ए, बी और सी की वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और इसके यूपी में जो है, नोएडा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो देखते हैं वैकेंसीज जो निकली हैं। कुछ जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और कुछ जो है वो आपकी डेपुटेशन बेसिस हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ निकली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्टर की पोस्ट भी है और उसके लिए कुछ जो है पोस्ट कम है और रिजर्व्ड कैटेगरीज का आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वहाँ पर उसके लिए जो है वैकेंसीज हैं या नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, तभी आप जो है इसके अप्लाई करें। इसके एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन मोड है और आप 21 डेज तक, आप 10th ऑफ अक्टूबर तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ग्रुप ए की पोस्ट के अंडर है आपकी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अकाउंट्स ऑफिसर, एकेडमिक ऑफिसर और रिसर्च एंड इवेल्युएशन ऑफिसर। ये वैकेंसीज आपकी हैं जो ये आपके ग्रुप ए के अंडर आती हैं। इनका पे स्केल भी अच्छा है, 10th लेवल से स्टार्ट होकर के 13th लेवल ऑफ 7th CPC के अंडर ये पोस्ट हैं और इसमें अनरिजर्व कुछ पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं एकेडमिक ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो अनरिजर्व 7 पोस्ट हैं यहाँ पर। तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप ए की वैकेंसीज़ के लिए। जो यहाँ पर आपको जो है इस एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया नहीं है कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस या एप्लीकेशन चार्जेस जो हैं वो कितने लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए की पोस्ट के लिए जो है 750 रुपीज़ जो है वो आपके एप्लीकेशन चार्जेस हैं और 50 रुपीज़ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस हैं। ये आपके अनरिजर्व्ड या OBC कैटेगरी के लिए हैं ये वाले चार्जेस। और अगर आप जो है SC BC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जस्ट 250 रुपीज़ लगेंगे, प्लस के 50 रुपीज़ जो है ऑनलाइन चार्जेस, यानी कि 300 रुपीज़। फिर बात करते हैं ग्रुप बी की पोस्ट की। सेम आपका जो है ग्रुप ए और बी के लिए चार्जेस रहेंगे। ग्रुप बी के अंदर जो है आपकी सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, EDP सुपरवाइज़र और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इन सब की वैकेंसीज और इनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं या डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ जो है, एज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम एज क्राइटेरिया सब जो है यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। आपको वहाँ से NIOS.ac.in से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जब आप वैकेंसी सेक्शन में जाएंगे तो परमानेंट पोस्ट और आपको टेम्प्रेरी पोस्ट के लिए अलग अलग से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी टैब्स। तो आप उन पर क्लिक करके जो है अपनी वैकेंसीज़ की पूरी रिक्रूटमेंट डिटेल्स जो है आप चेक कर सकते हैं। ग्रुप सी की जो पोस्ट है इनके लिए एज क्राइटीरिया जो है वो थोड़ा स्टिफ होता है, केवल अप टू 27 ईयर्स ऑफ एज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। और तो इसमें जो है आपकी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं और इसके लिए जो आपके इंटीमेशन चार्जेस जो रहेंगे वो है आपके 500 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन फ़ीस है, प्लस इसमें 50 रुपीज़ आपके बैंक चार्जेस लगेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग चार्जेस। तो आपको 550 जो है अनरिजर्व्ड या OBC कैटेगरी के लिए, वहीं SC ST और EWS के लिए जो चार्जेस हैं वो आपके 150 रुपीज़ हैं, प्लस 50 रुपीज़ बैंकिंग चार्जेस, तो 200 का चलान यहाँ पर होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आप इसके लिए कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना ही है। और देखिए, आपकी लास्ट डेट जो है आप ध्यान रखें, ये क्या है,
10th अक्टूबर से पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। सारी की सारी डिटेल्स आपको NIOS की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, बिल्कुल A to Z जो है सारी डिटेल्स आपको वहाँ दी गई हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए आप तुरंत ही अप्लाई करें। और इसका एग्ज़ाम जो है वह कब, टेंटेटिव डेट आपको सब कुछ जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, NIOS.ac.in, वहाँ से जाकर वैकेंसी सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो थैंक यू, और ऐसे ही हम और भी नोटिफिकेशंस आपके लिए लेकर के आएंगे। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके साथ आप ये वीडियो शेयर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच।